हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे देख सकते हैं जो कार है मारुति सुजुकी सेलेरियो, तो देखते हैं इसके इतना जल्दी क्यों क्लच खुल गया, जो कि 5000 किलोमीटर में ही क्लच खुल गया इसका। देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती थी जो इसके इतनी जल्दी क्लच खुल गया। जैसे देख सकते हैं हमने गेयर बॉक्स बाहर निकाल लिया हुआ है और अभी बाकी है क्लच खोलने के लिए। जो क्लच है प्रेशर प्लेट है, जैसे देख सकते हैं दिख रहा है, और देख सकते हैं कि अभी हमें क्लच प्लेट खोलना है और साइड में सब गिल्ले दिख रहे हैं, पूरा गिल्ला हुआ है, सब ऑयल वगैरह फैला हुआ है। तो देख सकते हैं स्टार्टर भी पूरा गंदा है, तो इस तरह से देख सकते पूरा गंदा है। अभी देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या गया हुआ है, क्यों इतना जल्दी बार बार क्लच जा रहा है इसका। तो देख सकते हैं इसकी जो ये गियर हमने बाहर निकाला हुआ है, इसमें भी पूरा ऑयल फैला हुआ है, और जो गियर का ऑयल निकला हुआ है बहुत थोड़ा सा निकला हुआ, देख सकते हैं ट्रे में ऑयल निकला हुआ है। और ये देख सकते हैं यहाँ भी पूरा गिल्ला है जो कि ये घूम रहा है, और यहाँ से ही ऑयल लमसम आया है गियर ऑयल का, गियर ऑयल जो कि लीकेज था, और वो लीकेज होकर पूरा क्लच पे फैल गया है। तो अभी क्लच भी खोलेंगे, उसमें भी देखेंगे क्या है, और जो कि ये यहाँ से गियर का ऑयल लीकेज होता है और इसके अंदर ऑयल सील आता है। तो देख सकते हैं अभी क्लच खोल रहे हैं, तो देखेंगे क्लच में क्या प्रॉब्लम है और कैसा है, क्या कंडीशन है, जो कि गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। गाड़ी सिर्फ रेस होता था, आगे नहीं बढ़ता था, इतना ज़्यादा क्लच जल गया है, और जला क्यों है वो देखेंगे। तो ठीक है, अभी खोल के दिखाते हैं जो भी है। तो देख सकते हैं जो कि ये प्रेशर वाला दिखने से ऐसा एकदम नया लग रहा है, बट अभी खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या है, क्योंकि गाड़ी चली भी नहीं है, नई गाड़ी है। तो देख सकते हैं इस तरह से, जो कि इसमें 12 के वोल्ट आते हैं, 12 नंबर का 6 वोल्ट है। तो देख सकते खुल गया, जैसे कि ये रहा हमारा प्रेशर प्लेट, अब ये क्लच प्लेट हो गया। ये देखते अभी बाहर कैसा क्या कंडीशन है। तो देख सकते खुल गया, और जो कि अंदर से फ्लाईव्हील भी एकदम लाइनिंग आ गई है, और अब देखेंगे क्लच प्लेट देख सकते हैं कि पूरी तरह से एकदम जल चुका है, समझो कि बचा ही नहीं, रिपीट आ गया, और प्रेशर प्लेट भी कट गया, काफ़ी सारा डीप हो गया है। ये देख सकते हैं ये प्रेशर प्लेट है, जो कि देख सकते हैं पूरा डीप हो गया, और क्लच तो पूरा खत्म ही है, तो चलेगा कहाँ से, इसके लिए चल ही नहीं रहा था गाड़ी, सिर्फ रेस हो रहा। अब करेंगे ऑयल सील काम, जो कि ऑयल सील लीक था, जो गियर ऑयल आया हुआ था, पूरा क्लच पे फैला था, पूरा गियर बॉक्स में फैला था, और ऑयल बचा भी नहीं था। और पहले भी एक बार गाड़ी में ऑयल टकअप हुआ है, गियर ऑयल, तो अभी भी देख सकते हैं ट्रे में कितना थोड़ा सा बचा हुआ था। तो देखेंगे इसका ऑयल सील, इतना सब खोलना पड़ेगा, गियर छुट्टा करना पड़ेगा, जो कि गियर के अंदर ऑयल सील है, ऐसा बाहर से नहीं डाल सकते इसको। तो देख सकते हैं अभी हम गियर छुट्टा करते हैं, पूरा खोलते हैं, और पूरा सब खोलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो लास्ट में वो ऑयल सील है जो कि वो डालेंगे, ऐसा नहीं डाल सकते बाहर से कुछ करके, जो कि गियर सॉफ्ट जो रहता है, सॉफ्ट के अंदर रहता है, और फिर जो इंजन में जाके कनेक्ट होता है। और देख सकते हैं हमने ये सब खोल लिया है, और जो कि देख सकते हैं गियर के अंदर भी 2 बोल्ट हैं, जो गियर की राउंडिंग के हैं। तो देख सकते हैं ये सब खोलने के बाद ही हमें निकालना है, अभी गियर खुलेगा। तो देख सकते हैं हमारा सब चेंजर वगैरह खुल गया है, और भी सेंसर भी खोल लिया हमने, रिवर्स सेंसर खोल लिया, अब हमें निकालना है इसको। तो देख लेते हैं अभी कुछ बोल शायद बाकी है, वो भी देख लेते हैं। तो जहाँ तक ये सब खुल ही गया है, अब ले हथौड़ी दना दन मार मारे खोलते, क्योंकि इतना लॉक रहता है कि मारना ही पड़ता है, नहीं मारेंगे तो निकलेगा नहीं, कटाना पड़ता है, इतना आसानी से नहीं निकलता। तो देख सकते बोल्ट तो सब खुल गया जैसे राउंडिंग की, बट निकलने में थोड़ी तकलीफ है, निकल नहीं रहा। तो देख सकते ये रहा, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इतने आसान से नहीं निकलता खुलने के बाद भी, क्योंकि जो बीच में सील रहता है वो चिपक जाता है अच्छे से, और बैरिंग वगैरह पकड़ लेती, बैठ जाती है। तो देख सकते काफ़ी मेहनत हो रहा है, जो कि तो देख सकते निकलने में बहुत सारी तकलीफ हो रही है, और मेहनत भी बहुत करना पड़ रहा है, लगे हुए है, देखो निकलता है ही नहीं निकलता है। तो देख सकते क्या प्रॉब्लम है, ये तो आधा निकल चुका है, बट पूरा नहीं निकल रहा, क्या पकड़ा हुआ है, लग रहा है बैरिंग वगैरह पकड़ा है, जैसे कि देख सकते हैं। तो देखते क्या है,
ओह, इसमें अंदर भी क्लिप है जो लॉक है, इसको प्रेस करके निकालना पड़ेगा, जो कि बाहर नहीं निकलेगा बट उसमें लगा हुआ है, उसको प्रेस करके फिर निकलेगा गियर। तो देख सकते हैं लॉक पकड़ से हमने एक क्लिप है जो बैरिंग में लगी हुई है, इसको प्रेस करके निकालते हैं, तो इसके बाद जाके निकलेगा वो गियर। तो ठीक है, देख सकते हैं ये रहा, निकाल रहे हैं और खटाते हैं अभी। तो देख सकते हैं हम पूरा निकल गया, जो कि ये गियर है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, और उसमें तीसरा, चौथा, पांचवा और गियर है, और जो साइड में रखा हुआ वो रिवर्स गियर है, ये वाला देख सकते हैं। और वो रहा गियर का डिस्टेंशन, जो कि मेन एक्सल जो जॉइंट होता है दोनों साइड से, और बैरिंग है, जो कि इसमें बैरिंग वगैरह सब सही है अपने, वो फिर खाली लीकेज का प्रॉब्लम था, ऑयल सील का काम करना है बस, बाकी सब ठीक है। तो देख सकते हैं ये रहा एकदम छोटी सी ऑयल सील, और देख सकते हैं हमने दूसरा लगा दिया ऑयल सील, और ये रहा ऑयल सील, इस जगह पे बैठता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल सील रहती है, छोटी सी ऑयल सील है, यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, और ये ऑयल सील एकदम फ्री हो गया है, इसके लिए ऑयल लीक हो रहा है। नया गाड़ी है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देख सकते हैं, और जो कि मैंने नया ऑयल सील ला के लगा दिया हूँ, फिट कर दिया, अभी इसको फिटिंग करेंगे, जो कि साफ उफ करके थोड़ा, कि जो दूसरा बोन्ड हम लोग लगाएंगे तो चिपकना चाहिए, और थोड़ा साफ उफ कर लेना। तो देख सकते हैं, और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं था इसमें, जो था यही था ऑयल सील, हम लोग खोले थे, बाहर से कुछ खोलने का लगाने का चांस नहीं था, नहीं तो बाहर से हो जाता था, और है भी नहीं, इतना सब खोलना ही पड़ता था ऑयल सील। तो देख सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ टाइम पे, मतलब कि काम हो गया, नहीं तो फिर डैमेज हो जाता था, गियर ऑयल पूरा ख़त्म होता था, फिर और भी डैमेज हो जाता था, जैसे क्लच डैमेज हो गया, 5,000 में तो कोई गाड़ी का क्लच जाता ही नहीं, जाहिर सी बात, ऑयल जाने की वजह से ही क्लच गया हुआ है, और पूरा प्रेशर प्लेट ख़राब हो गया, जो कि ज़बरदस्ती चला चला के स्लिप मार मार के। तो देख सकते हैं अभी हम कर रहे हैं गियर फिटिंग, ये रहा इस तरह से फिट होता है, जो कि सब बैठाना पड़ता है, अच्छे से बैठेगा नहीं तो फिर दोबारा दोबारा खोलना पड़ता है, इसीलिए एक ही बार में सही से बैठाना पड़ता है, देखना पड़ता है हर एक चीज़ सही से बैठ रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या घूम रहा है, जो भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें सब चीज़ ध्यान देना चाहिए, और ये भी ध्यान देना चाहिए कहीं पर कुछ गिर ना जाए फिटिंग करने टाइम, या कुछ छोटा मोटा कड़ ना रह जाए, नहीं तो अगर कहीं फंस गया तो टूट जाएगा, जो भी गियर के छोटे छोटे गियर होते हैं सब टूट सकते हैं। तो देख सकते इतना आसानी से बैठता भी नहीं है, और सब फिट करने में टाइम लगता है, तो इस तरह से खाँचे में मैच करके फिर बैठाना पड़ता है, कभी कभी कैसा खुलने के बाद भी नहीं निकलता, जो कि बैरिंग वगैरह पकड़ा हुआ रहता है, इसलिए नहीं निकलता है। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा रिवर्स गियर, बाकी तो सब लग गए, ये रिवर्स गियर है, जो कि ये रिवर्स गियर देख रहे हैं कि लगा रहे हैं। अगर दोस्तों अगर रिवर्स गियर निकाल कर रख देते हैं, इसी फिट कर देते हैं, क्या होगा, तो गाड़ी रिवर्स गियर में जाएगी नहीं, शायद उतर के धक्का मार के फिर रिवर्स करना पड़ेगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा सोचो, तो रिवर्स गियर लगाते ही है। तो देख सकते ये रिवर्स गियर है, जो कि छोटा है और सबसे साइड में सबसे अलग है, बाकी और सब देख सकते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पांचवा है, वो सब एक ही लेंथ में ही है, और रिवर्स ही खाली अलग है, जो कि देख सकते हैं रिवर्स एकदम साइड में, और इस तरह रिवर्स गियर अभी यही है, जो कि ये फिट हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें 10 के बोल्ट हैं, तो देख सकते हैं 10 का बोल्ट है, और बोल्ट टाइट कर लेना है, तो रिवर्स गियर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर देख लेंगे हाँ बरोबर चल रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से, जो कि ये रहा 10 का बोल्ट, जो हमने फिट कर लिया, टाइट कर लिया है, और कि ये हो गया फिट, अब देखेंगे वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो सब फिट कर देंगे तो फिर खोलना पड़ेगा, दोबारा दोबारा काम हो जाएगा, तो एक ही बार में सब देखना पड़ता है। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा रिवर्स गियर, और भी सब वर्क कर रहा है, ठीक ठाक है। तो
तो देख सकते हैं बराबर है। और बाकी हमारा सब गियर का सब हो गया, अंदर का सब फिटिंग होगा। अब मैंने बोर्ड वगैरह लगाता हूँ, फिर इसके ऊपर का सब फिटिंग करता हूँ। जैसे ही देख सकते हमने बोर्ड लगा रहा हूँ, तो देख सकते बोर्ड हमने अच्छे साफ करके लगाना है। अगर अच्छे साफ नहीं होगा तो बाद में लीकेज प्रॉब्लम होता है और फिर समझो कि दोबारा काम वही करना पड़ेगा अगर लीकेज हो गया तो एक बार भी, क्योंकि अच्छे साफ सफाई करके लगाना चाहिए कि लीकेज ना हो। तो देख सकते हैं हमने बोन लगा लिया, अब लगा रहे हैं इसको, फिट कर रहे हैं। जो कि यदि जल्दी बैठता नहीं है, सेंटर में जाके ही बैठेगा क्योंकि खाँचे रहते सब, खाँचे में जाने के बाद ही बैठेगा। और तो देख सकते हैं अभी मैच नहीं हो रहा, मैच एक जगह हो तो दूसरी जगह नहीं होता, ऐसे करके प्रॉब्लम होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो कि हो गया, लगा लिया हूँ, सिर्फ बैठा नहीं है, थोड़ा भूल गया। जो कि ये ऊपर वाला जो है लॉक वाला, ये बहुत तकलीफ देता है बैठने में। तो देख सकते वो हो गया, और कि लॉक होने में तकलीफ ज़्यादा देता है और बैठता नहीं जो यहाँ पीछे की वायरिंग है। तो अभी कैसे जबरदस्ती बोल्ट भी नहीं लगा सकते जब तक ये बैठता नहीं है, पूरा टाइट नहीं कर सकते, टम्पर वाली लगा सकते, खाँचा मैच हो गया बोल्ट के बट पूरी तरह से नहीं बैठा हुआ है। तो देख सकते हैं ये रहा, अभी हम लॉक लगा रहे हैं क्योंकि लॉक लगाने में ही तकलीफ जाता है, काफ़ी टाइम निकल जाता है इसमें लॉक लगाने में, क्योंकि मैच नहीं होता ना, अंदर दिया हुआ स्विफ्ट वगैरह में वो सब बाहर दिया था, स्विफ्ट जैसा स्विफ्ट डिजायर डीजल हो गया ये सब, पेट्रोल में भी सब में एकदम इजी दिया है, अर्टिका हो गया सब में इजी दिया, इसमें थोड़ा अंदर से दिया, ये जल्दी बैठता नहीं। अगर समझो लॉक भी टूट गया है तो देख सकते हैं सब हो गया है फिटिंग, जो कि एक छोटी सी वाटी लगाना बाकी है जहाँ पे लॉक था जो काफ़ी परेशान किया हुआ था। तो अभी ये लास्ट बचा है और अभी क्लच प्लेट वगैरह लगाना बाकी है क्योंकि वो भी